हल्द्वानी शहर के चर्च में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। सुबह से ही चर्च परिसर में काफी रौनक देखने को मिली। रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा के बाद चर्च में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। चर्च में आने वाले श्रद्धालुओं के हाथ सैनिटाइज करवाने और तापमान जांच लेने के बाद ही उन्हें चर्च के अंदर चल रही प्रार्थना सभा में प्रवेश करने दिया गया, जहां लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म पर एक दूसरे को बधाई दी। चर्च के पास्टर राजीव मैसी ने प्रभु यीशु के सुक्तिपरक संदेश देते हुए कहा कि मुक्ति ईश्वर की कृपा है। प्रभु यीशु का देह धारण करने का एकमात्र उद्देश्य था मानव की आत्मा को पवित्र करना और उन्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाना। वहीं नैनीताल जिले के समस्त क्षेत्रों के चर्चों को रंग बिरंगी रोशनी, झंडे, चरनी और क्रिसमस ट्री से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चर्च में कैरोल गीत गूंजे और लोगों को क्रिसमस की बधाइयां देते देखा गया। यही नहीं, ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने संबंधियों और मित्रों को फोन पर भी क्रिसमस की बधाइयां दी। Wishing you all a very happy and merry Christmas. May this Christmas bring lots of happiness and joy in everyone's life. May this new year be fulfilled with lots of joyous and happiness. Thank you. आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, Merry Christmas. और हम पूरे देश में इस समय क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये बहुत आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, प्रसिद्ध दिन है, बड़ा दिन है और इसके लिए हम पूरे देश में एक दूसरे को सब बधाई दे रहे हैं और इसमें चर्च चल रहा है और चर्च के बाद लोग अपना एंजॉय करेंगे, घर में अच्छे से खाने बनेंगे, पुलाव वगैरह केक कटेगा, लोगों को मिलेगा आसपास और गरीब लोगों के लिए भी कुछ कुछ लोग सब हेल्प करने को तैयार रहते हैं आज के दिन, उनके लिए पैसा इकट्ठा होता है और जितने हमारे वो प्रशासन के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हर एक के लिए इस समय चर्च में प्रार्थना हो रही है और जो बीमारी से लोग क्या बोलते ठीक हो गए हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया जा रहा है। और आज सबसे बड़ा दिन जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन है और ये एक बहुत खुशी का दिन है और इसके लिए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए प्रार्थना होती है कि ईश्वर आज के दिन सबको बरकत दे और सबको ठंड से बचा के रखे। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें एक साल हमें पिता परमेश्वर ने ठीक से रखा, बहुत सारी परेशानियां आई पर हमें जीवित रखा और हम अब खुश हैं बहुत अपने परिवार के साथ। मेरा नाम अनुष्का है और हमें यहाँ पर आकर अच्छा लगा और हमने प्रेयर वगैरह भी की और मज़ा ही आया, सभी लोग फ्रेंड्स वगैरह भी आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आए हैं और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम खेलने आए हैं, मतलब यहाँ पे मस्ती करने आए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें प्रेयर करी हमने अभी, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी हम बाहर जाएंगे खेलने के लिए, मस्ती करेंगे आज और हमें आज बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे चर्च पे बहुत अच्छा सा सजा, बहुत अच्छा लगा। आज हमारा बड़ा दिन है क्रिसमस से, मेरी क्रिसमस सबसे प्यारा है। आज हम घूमने भी जाएंगे सबके साथ और मजे भी लेंगे, अच्छा लगेगा सबके साथ। हम लोग यहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च सेंटर चर्च कंपाउंड में सब इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस हम लोग का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इसमें हम लोग जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं और बस इसका मेन मकसद ये होता है कि मतलब जीसस क्राइस्ट आए और दुनिया के सारे लोगों को मतलब खुशियाँ बांटे, सेंटा के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और जीसस के जन्मदिन को बेसिकली धूमधाम से मनाया जाता है ताकि सब लोग खुशी खुशी रहें और संसार में मतलब लोगों को ये प्रचार करना है कि जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं और सबको मतलब उद्धार होने वाला है। हम लोग का सेलिब्रेशन बस ये अभी चर्च सर्विस हुई है, इसके बाद जैसे कि पूरे शहर में हम लोग एक रैली गेट टुगेदर होता है और उस रैली के जरिए हम लोग मतलब पब्लिक को बताते हैं कि यीशु मसीह आज पैदा हुए हैं। आज का दिन हमारे हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो पैदा हुआ है वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्तिगत जाति के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए। और आज जो संदेश बाइबल का दिया गया वो ये था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसी महत्व को रखते हुए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। विशेष कार्यक्रम कैरल सिंगिंग हुई है, संडे स्कूल के बच्चों की तरफ से एक ड्रामा हुआ है, जवानों की तरफ से क्रिसमस का एक प्ले हुआ कि उसको बताया गया कि किस तरह से यीशु किन परिस्थितियों में जन्मा
तो ये प्रोग्राम सब हुए और आज ये, इसके बाद हम कल संडे सर्विस में मिलेंगे। आज क्रिसमस हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो क्रिसमस हमेशा हमारे जीवन, हमारी जिंदगी में।